हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये आपका टॉपिक है अर्थव्यवस्था की पुनरुद्धार की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत तो कुछ दिनों पहले से ही थी, लेकिन जिसमें जितनी उसमें कमी थी वो आपकी कोरोना वायरस ने पूरी कर दी। तो चलिए उसे ही देखते हैं, हम लोग इसमें जानेंगे आखिर किस संदर्भ में अभी बात की जा रही है और आपकी अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, समस्या के समाधान के लिए संभावित उपाय क्या क्या हैं और सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या हैं, इसमें क्रेडिट गारंटी से आपका तात्पर्य क्या है और क्या चुनौतियां हैं इसमें। तो लगभग लगभग आपकी सभी जवाबों की सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यानी कि जवाबों के सवाल नहीं, जो सवालों के जवाब। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वैश्विक महामारी यानी कि COVID-19 के कारण वर्ष 2020 यानी कि 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था तकरीबन 1% तक कम हो सकती है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि यदि बिना पर्याप्त राजकोषीय उपायों के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध और अधिक बढ़ाया जाता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक प्रभावित हो सकती है। COVID-19 के वैश्विक महामारी घोषित होने के 3 माह बाद अब संयुक्त राष्ट्र का उपयुक्त अनुमान सही प्रतीत हो रहा है। विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आप समझ सकते हैं, जब अमेरिका जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चीन जैसे विकसित देशों की अर्थव्यवस्था धूमिल हो सकती है, इसकी वजह से डगमगा सकती है, तो हम भारत बहुत नीचे हैं। समझ में आए? 2 महीने से आपका सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक बहुत नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं। और इन 2 महीने की अर्थव्यवस्था को भरने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे। समझ में आए? इतने नीचे हम लोग पीछे चले गए हैं। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर मात्र 5% रह जाएगी, जो वर्ष 2021-2021 में तुलनात्मक आधार पर अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में भारी गिरावट आएगी, जो घटकर मात्र 2.8% रह जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह महामारी ऐसे वक्त में आई है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव के कारण पहले से ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती की मार झेल रही थी। कोरोना वायरस के कारण इस पर और दबाव बढ़ गया है। सरकार इस स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर रही है, जो सार्वजनिक व निजी निवेश, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। जो आपकी 2.8 की बात की जा रही 5% की, ये कई एजेंसियां आपकी 0.9 या फिर 1% तक की बात कर रहे हैं कि भारत की जीडीपी यानी कि विकास दर आपकी 1 दशमलव या 0.9 या 1% रहेगी आगे चल के। बात करते हैं अर्थव्यवस्था के समक्ष आपकी क्या क्या चुनौतियां हैं। आखिर सकल घरेलू उत्पाद, विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी संशोधित अनुमानों में जीडीपी वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी का अनुमान लगाया है। उदाहरण के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में भारत के विकास पुनर्अनुमान को संशोधित करके 6% से घटाकर 2.1% कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले आपकी कितनी चलती थी, 7.4 7.5 विकास दर रहा करती थी, अब कितनी आ गई 2.1। आप समझ सकते हैं कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। फिर आपका रिवर्स माइग्रेशन, लॉकडाउन के कारण निर्माण विनिर्माण और तमाम आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से प्रवासी मजदूर महानगरों से अपने गांव की ओर लौट रहे हैं, जिससे महामारी की आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन में छूट देने के बावजूद सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही। इन महानगर नगर नगरों आने वाले कुछ समय तक मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि कंपनियां बिना मजदूरों के कैसे चल सकती हैं, कुछ भी काम
वहाँ मजदूरों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सभी माइग्रेट यानी कि जो भी मजदूर थे अपने गांव लौट चुके हैं। ये कुछ दिनों आपके डरने से जाने से डरेंगे, मुंबई दिल्ली ये जाने से डरेंगे, तो वो विकास दर भी नहीं पा पाएगी हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि टाइम लगेगा। फिर आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मांग में गिरावट, लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां ठप हैं, परिणाम स्वरूप कृषकों की आय समाप्त हो गई है। कृषकों की आय समाप्त होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से उत्पन्न होने वाली मांग तेजी से घट रही है। राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSSO और नाबार्ड के अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 5 वर्षों से कृषि के दौरान ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर रही है। आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब हैं या मजदूर थे, जो डेली का अपना कमाते थे खाते थे, उनकी आय जीरो पड़ चुकी है। अब आय जीरो पड़ेगी तो आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो मांग कहाँ, यानी कि वस्तुएं खान खरीदने की आपके पास गुंजाइश कहाँ होगी, और मांग नहीं होगी तो उत्पादन करने में भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता जा रहा था कि डायरेक्ट पैसा दिया जाए तो शायद मांग उत्पन्न हो, मांग उत्पन्न होगी तो आपका अर्थव्यवस्था को चलाने यानी कि उत्पादन करने में भी आपको प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की जा रही थी। ठीक है, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं कि मजदूरों को वे अभी डायरेक्ट पैसे चाहिए यानी कि नगद पैसा चाहिए। फिर आपका ग्रामीण बाजार की तालाबंदी, वैश्विक महामारी और जारी लॉकडाउन के कारण ग्रामीण बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बाजार बंद होने के कारण थोक कृषि, बागवानी, डेयरी उत्पादन से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण किसान अपनी उपज को न्यूनतम मूल्य पर बेचने में असमर्थ है। मैं अभी ये आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं, उसमें मैंने पढ़ रहा था कि पहले जो 40 से 50 रुपया लीटर दूध बिकता था वो 25 से 30 रुपये लीटर अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रहा है, क्योंकि सब ठप पड़ा हुआ है तो कोई खरीदने वाला भी नहीं है। फिर आपका न्यून कृषि गतिविधियां, पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कृषि संपन्न राज्यों में व्यापक तौर पर कृषि किया जाता है, रिवर्स माइग्रेशन के कारण इन राज्यों में खड़ी फसलें को काटने के लिए पर्याप्त मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे खड़ी फसल बर्बाद हो रही है और अब किसान अगली फसल की बुआई नहीं करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी जो फसल खड़ी हुई है उसे नहीं, उसे काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, और फिर धान रुपाई के लिए चलिए आप मान सकते हैं कि अभी तो हार्वेस्ट से कटवा ली जाएगी फसल, लेकिन जो धान बुआई होती है रुपाई होती है उसके लिए तो मजदूरों की जरूरत पड़नी है, लेकिन मजदूर वहां से निकल चुके हैं, अपने अपने गांव जा चुके हैं, तो एक समस्या ये भी खड़ी हो रही है। उत्पादन में कमी, लॉकडाउन के कारण उद्योगों में काम ना होने से उत्पादन में गिरावट हुई है, किंतु लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी मानव संसाधन की आपूर्ति ना हो पाने के कारण इन उद्योगों में पुनः उत्पादन होने की संभावना काफी कम है। महिलाओं की दयनीय स्थिति, पारिवारिक आय में कमी से महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी महिलाओं को सामाजिक वंचनाओं का शिकार होना पड़ा। आर्थिक आपातकाल की संभावना, लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में विकास का आर्थिक चक्र घूमना बंद हो चुका है, ऐसे में सरकार के द्वारा सार्वजनिक खर्चों में कटौती के साथ अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती भी की जा सकती है, तथा अनावश्यक व्यय पर रोक लगाने हेतु आर्थिक आपातकाल के विकल्प पर भी विचार हो सकता है। अरे आपका समस्या समाधान के संभावित उपाय, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या उपाय सुझाव जा रहे हैं उन्हें भी देख लें। भारत को कुछ तत्कालिक नीतिगत उपाय की आवश्यकता है जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करें, बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हो सके। विश्लेषकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सही ढंग से तैयार किया गया
राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता है, जिसमें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यय को प्राथमिकता और महामारी से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों में छोटे और मध्यम उद्योग जैसे कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि कार्यों को प्रारंभ करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देना होगा। हमारे सामने चीन एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने विनिर्माण क्षेत्र को विकसित न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है, बल्कि देश की अवसंरचना को भी मजबूती प्रदान की है। याद रखिए, अब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था जहाँ से आपका वायरस शुरू हुआ था, वहाँ आपकी सभी आर्थिक क्रियाएं चलने लगी हैं, यानी कि चीन में अपनी अर्थव्यवस्था पर जोर देने लगा है। समझ सकते हैं, भारत के सभी राज्यों को श्रम कानूनों में सुधार करना चाहिए ताकि घरेलू निवेशकों को निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो अभी कानून सुधार की बात चल रही है, इसी से संबंधित है आपका। विदेशी निवेशकों में चीन के प्रति शंका भारत के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है, क्योंकि कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेट कर बाहर जाना चाहती हैं। ऐसे में भारत को निवेश प्रक्रिया को सरल बनाकर निवेशकों को आकर्षित करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पटरी पर लौटने की उम्मीद है। ऐसे में एक सार्वजनिक समर्थित नीति, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिकों के समर्थन के माध्यम से एकीकृत बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं सरकार के द्वारा किए गए प्रयास। भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज COVID-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई पूर्व घोषणाओं तथा RBI द्वारा लिए गए निर्णयों को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का, कितने का? 20 लाख करोड़ रुपए का। यह आर्थिक पैकेज भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानून, लैंड लेवल लिक्विडिटी डिटी एंड लॉ 4Ls पर ध्यान केंद्रित किया गया। कई अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपना आकलन किया है। कोई अभी इसे आपका GDP का 1% बता रहा है, कोई 2%, कोई 2.5%। ठीक है, याद रखिए, सरकार द्वारा पैकेज के तहत घोषित प्रत्यक्ष उपायों में सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन को भुगतान आदि शामिल होते हैं, जिसका लाभ वास्तविक लाभार्थी को सीधे प्राप्त होता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा अन्य क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई है। बात करते हैं आपकी क्रेडिट गारंटी योजना होती क्या है, क्या होता है। बैंकों द्वारा MSME को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण MSME की परिसंपत्तियों यानी कि संपार्श्विक के रूप में के आधार पर दिया जाता है, लेकिन किसी संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में गिरावट हो सकती है तथा इससे MSMEs की ऋण लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। अर्थात किसी संकट के समय परिसंपत्तियों की कीमतों में गिरावट होने से बैंक इन उद्यमों की ऋण देना कम कर देता है। सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है। यदि MSME उद्यम ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते तो ऋण सरकार द्वारा चुकाया जाएगा। उदाहरण, यदि सरकार द्वारा एक फर्म को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बैंक उस पर फर्म को 1 करोड़ रुपए उधार दे सकता है। यदि फर्म वापस भुगतान करने में विफल रहता है तो सरकार 1 करोड़ का भुगतान बैंक को करेगी। इसे आप लोग इस तरह से ले सकते हैं कि आप किसी से 1,000 रुपये उधार लेते हैं तो आपके बीच में एक कोई दिलाने वाला होगा, कि मतलब आपका गवाह, कि अगर आप नहीं चुकाते हैं तो वो आपने जिससे उधार लिया है उसका वो चुका देगा 1,000 रुपये। तो इसी तरह आपके बीच
और उस साहूकार के बीच कोई एक बिचौलिया होता है, उसी तरह बैंकों और व्यक्तियों के बीच यानी कि एमएसई एमएसएमई के बीच आपकी सरकार खड़ी हुई है बिचौलिए के रूप में। ठीक है, सरकार द्वारा एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्यम लघु ही बने रहना चाहते हैं क्योंकि इससे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिलते हैं। अतः एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव की लगातार मांग की जा रही थी। सरकार ने आर्थिक पैकेज में कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्रों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्रों और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों के संरचनात्मक सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आंशिक रूप से उत्पादन किए जा चुके कोयला ब्लॉक के लिए अन्वेषण सह उत्पादन प्रणाली को लागू किया जाएगा। यहां ध्यान देने योग्य तथ्य है कि वर्तमान समय में कोयला ब्लॉक की नीलामी कोयले के पूर्ण खनन के लिए की जाती है, परंतु अब आंशिक रूप से खनन किया जा चुका कोयला ब्लॉक की भी नीलामी की जा सकेगी। इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होगी। कोयला इंडिया लिमिटेड के नियंत्रण वाली कोयला खदानों के कोल बेड मैथेन CBM निष्कर्षण अधिकारों की नीलामी भी की जाएगी। व्यवसाय करने में सुगमता, की दिशा में खनन योजना सरलीकरण जैसे उपायों को लागू किया जाएगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाए रहने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर बल दिया जाएगा और आयुध निर्माण बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा ताकि आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार हो सके। आपको स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। विदेशी निवेश, सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए व्यवहार्यता अंतराल अनुदान यानी कि VGF योजना को प्रयोग किया जाएगा। VGF के रूप में कुल परियोजना लागत की 30% तक की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा सकेगी। निजी क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। भविष्य की इसरो की योजनाओं जैसे ग्रहों की खोज, बाहरी अंतरिक्ष यात्रा आदि में निजी क्षेत्र की भी प्रवेश की अनुमति होगी। सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशी सेवा बाजार में सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार COVID-19 से जुड़े ऋण को इनसॉल्वेंसी कार्रवाई शुरू करने का आधार नहीं माना जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा अगले एक वर्ष के लिए दिवालियापन से जुड़ी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार हेतु स्वास्थ्य और देखभाल केंद्रों के सरकारी खर्च में वृद्धि कर और हर जिले में संक्रामक रोगों के लिए विशेष अस्पताल तथा ब्लॉक स्तर पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की बात कही है। COVID-19 और लॉकडाउन के कारण हो रहे अकादमिक नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा PM ई विद्या योजना की घोषणा की जाएगी यानी कि शिक्षा से संबंधित। ठीक है, चुनौतियों की बात करें हम लोग तो विशेषज्ञों के अनुसार ऋण सीमा में वृद्धि के साथ रखी गई अनिवार्य शर्तों के कारण राज्य सरकारें इसके तहत अधिक धन नहीं निकालना चाहेंगी और राज्य सरकारों को महंगी दरों पर ब्याज से धन जुटाना पड़ेगा। अतः इन योजनाओं में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वर्तमान में वैश्विक मंदी जैसी स्थितियों के बीच PSUS के बीच के विलय या फिर निजीकरण से सरकार को अधिक खरीददार नहीं मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा के अभाव में निजीकरण से अपेक्षित धन नहीं प्राप्त हो सकेगा। घोषित किया गया पैकेज वास्तविकता में घोषित मूल्य से बहुत कम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार के राजकोषीय पैकेज के हिस्से के रूप में RBI द्वारा पूर्व में ही की गई घोषणाओं को भी शामिल किया गया है।
इसमें कई आपकी ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया जो बजट में जिसका पैसा आवंटित किया गया था, यानी कि जिनकी बजट में बातें कही की गई थी जिनके बारे में, वही पैसा यहाँ जोड़ दिया गया। इसीलिए कई आपके अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि हमारी जीडीपी का एक 2.5 है, कोई 1% बता रहा है, इस तरह से अलग अलग बता रहे हैं सब। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है आपकी? भारत सरकार को स्वास्थ्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए लगातार विकास की गति का अवलोकन करने की आवश्यकता है। साथ ही चीन पर निर्भर भारतीय उद्योगों को आवश्यक समर्थन एवं सहायता प्रदान करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के साथ मिलकर भारत को COVID-19 जैसी बीमारी की पहचान, प्रभाव, प्रसार एवं रोकथाम पर चर्चा की जानी चाहिए ताकि इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। तो ये था आर्टिकल आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित। याद रखिए, अब आपको अपनी सेफ्टी खुद बरतनी है, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार ने पूरी तरह से ढील दे दी गई। कुछ दिन में ये सब नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद आपको खुद सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो अपने और अपने परिवार की खुद सेफ्टी रखिए और मास्क लगाइए और बच्चों की भी अच्छे से रखिए। ठीक है।